प्राचीन काल में एक रतिन देव नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती थी, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं का विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र देवों से थी। उन्हीं के राज में धर्म केतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसी के विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास आदि न करके भर पेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला हमेशा सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को ही जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत पूजन के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को उत्पन्न किया। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि को वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा ही प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तू सदा प्रसन्न रहेगी। हे सुशीला, तुझे वेद शास्त्र वेदा एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार एक वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति के फल स्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और तदनंतर धर्म केतु स्वर्गवासी हो गए। उनकी मृत्यु के ही बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उसे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की। बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस दिन बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन विचलित हो उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसके रक्षक देवता है उसको मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों असत पुरुषों को दोष देखते हैं, वे अपनी करनी में स्वयं नाश को प्राप्त होते। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं।